हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्वक। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में शटरिंग किस तरह से गिर जाती है और क्यों गिर जाती है। दोस्तों, शटरिंग करने से पहले हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शटरिंग जो की गई है, यहाँ पर डबल शटरिंग की गई है। डबल शटरिंग का मतलब है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने निशान किया हुआ है, यहाँ पर एक सपोर्ट नहीं लगाई हुई है, एक सपोर्ट को हमने दो हिस्सों में बांट कर जोड़ कर लगाया गया है। और यहाँ से हमारा लोड अधिक आने के कारण इन सपोर्टों पर वो हमारी वकलिंग कर गई है, इसलिए हमारे पूरी शटरिंग गिर गई है। दोस्तों, हमें कभी भी कोशिश यही करनी चाहिए कि जो सपोर्ट लगाई जाए, सिंगल सपोर्ट लगाई जाए और उसको जोड़ कर ना लगाया जाए तो बेहतर होगा। और दोस्तों, इस शटरिंग के गिरने का रीज़न यह भी है, जो हमारी जो ये बार्स की लैपिंग की गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लैपिंग जो की गई है सब एक ही साथ की गई है, एक ही लाइन में की गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये एक ही लाइन में की गई। दोस्तों, एक साथ कभी भी लैपिंग नहीं की जाती है, लैपिंग हमारी हमेशा अलग अलग वार्ड्स में अलग अलग जगह पर की जाती है, और हमारी जो लैपिंग होती है दोस्तों, अलग अलग साइज़ की होती है। दोस्तों, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, हमारा रीज़न ये भी है। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा रीज़न ये बताता हूँ, जो हम शटरिंग कराते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जो हमने वो भराव के लिए मिट्टी फिल कराई है, मिट्टी को हमने ठीक से उसकी कुटाई कराई है या नहीं कराई है। अगर दोस्तों उसकी कुटाई नहीं कराई है, तो हमें ठीक से कुटाई करा लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा पानी आने से जो हमारी जैक या फिर प्रोप लगे होते हैं या बल्ली वगैरह सपोर्ट वगैरह लगी होती हैं, वो बैठने का डर रहता है और हमारी शटरिंग गिर सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारी शटरिंग में जो प्रोप यूज़ किए हुए हैं, ये हमारा सिंगल ही है, हमारी यहाँ पर डबल शटरिंग नहीं है, तो हमें कोई डर भी नहीं है। और हमें दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो हम शटरिंग यूज कर रहे हैं, वहाँ की जो मिट्टी है उसके नीचे हमें पूरा बेस बना लेना चाहिए। जहाँ पर भी हम बल्ली या फिर प्रोप खड़ा करें, उसके नीचे पूरा चौड़ा सा बेस बना लेना चाहिए, और ऊपर से भी बीम वगैरह की सपोर्ट को ठीक से लगा लेना चाहिए, तभी दोस्तों हम सुरक्षित तरीके से शटरिंग कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर बीम में भी ठीक से सपोर्ट लगाई हुई है, और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट लगाई हुई है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी, और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, कोई भी सपोर्ट हमें तिरछी नहीं लगानी चाहिए, तिरछी लगाने से हमारी बकलिंग हो जाती है और हमारी शटरिंग गिरने का डर रहता है। जो भी सपोर्ट लगाई जाए वो सीधी लगाई जाए। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारी सपोर्ट सीधी है और हमारी जो शटरिंग है वो सुरक्षित है। और नीचे से विशेष ध्यान रखना चाहिए, नीचे हमारा बेस अच्छा बनाना चाहिए। दोस्तों, जो इस वीडियो में गिरी है ये शटरिंग, इस वीडियो में जो वकलिंग हुई है सपोर्ट्स की, यही रीज़न है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।